कि अभी डॉक्टर सीमा ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान बाकायदा उनकी जांच होती है और अच्छे से प्रयास किया जाता है कि वो पता चल जाए कि ऐसा है, लेकिन अगर पता चल जाता है कि डाउन सिंड्रोम है तो क्या उसका उसी दौरान इलाज संभव है पूरी तरह से? इतना अच्छा सवाल है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, डाउन सिंड्रोम का इलाज नहीं है, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड समस्याएं हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, आमतौर पे मैं सारी समस्याएं एक बच्चे में नहीं होती, लेकिन क्या क्या हो सकता है। कुछ बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट हो गया, कुछ बच्चों में खून की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ बच्चों में एंडोक्राइनल प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड की या टाइप 1 डायबिटीज इन बच्चों में ज्यादा होता है, कुछ बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम आती है, एक्चुअली ये काफी कॉमन है डाउन सिंड्रोम के बच्चों में। फिर जो मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निशन है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि मेंटल रिटार्डेशन का सबसे कॉमन कॉज है ये है, हम फिर डिलेड माइलस्टोन्स देखते हैं, बहुत ज्यादा डिलेड नहीं होता है, लेकिन जब हम बच्चों के माइलस्टोन्स देखते हैं तो जो चीज एक नॉर्मल बच्चा 10 महीने पे करता है, ये वाला बच्चा 20 महीने पे करता है, थोड़े से डिलेड वहां से हमें वो दिखने लग जाता है, बच्चे की जो मसल टोन है वो थोड़ी सी पुअर होती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज को मैनेज करना होता है, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का निवारण करना है, ताकि वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह उनके साथ मिलजुल के उनको इंक्लूड करके हम उसमें कर सकें, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, हियरिंग की प्रॉब्लम है उसका निवारण किया, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है रेगुलर इकोकार्डियोग्राफी की, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप किया, उसमें कुछ इश्यू है तो उसको सॉर्ट आउट किया। तो इन इन छोटी छोटी चीजों को हमने उन चीजों का इलाज करना है, डाउन सिंड्रोम का हम इलाज नहीं कर सकते, वो तो हो गया, वो तो क्रोमोसोम लेवल पे है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, उसको नहीं निकाल सकते, लेकिन उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके एसोसिएट करें, ताकि बच्चा नॉर्मल बच्चों से जितना हो सके वो हम उसको एक नॉर्मल लाइफ में ला सके, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रयास होना चाहिए कि अगर बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है, विकार पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, तो कम से कम उसको तकलीफ हो, कम से कम उसको दिक्कतें हो।